যাও তা আমার ভাইয়ের নেই কিন্তু পুরো ব্লগে ডাল দেবে সবাই দেখতে हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज बहुत दिनों बाद एसटी बस से मैं जा रही हूँ मेरे मायके में और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है मेरे हस्बैंड अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। मैं भी बिज़ी हूँ बट लिटिल बिट जो है ना थोड़ी सी फ्री हूँ कि मायके जा सकूँ। तो मैं मेरे मायके जा रही हूँ, मम्मी ने मुझे बुलाया है कुछ काम से तो उसी के लिए ही जा रही हूँ। जो जो भी बहुत एक्साइटेड है, जो जो भी पहली बार अकेले जा रहा है सिर्फ मेरे साथ उसके पापा के बगैर, पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा नहीं जाएंगे उसके साथ। जब उसके पापा उतरने लगे बस से तब उसे समझ में आया और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला थोड़ी देर के लिए पास बैठ जाओ क्योंकि हर टाइम आप साथ में जाते हो, इस बार ही जो है ना आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो। मैं उन्हें बोल भी रही थी चलो ना अभी भी टाइम है, चलो मैंने एग्जिट ले लिया आपका। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड चले गए और फिर बस भी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे जो है लोग भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। जोजो को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो शांत होके बैठा था और बाहर का जो नज़ारा था ना उसे एंजॉय कर रहा था, सब कुछ देख रहा था और कभी कभी मुझे क्वेश्चन भी कर रहा था, मम्मा ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये कहाँ पे रहता है, सब कुछ। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचती लेकिन जब ऐसे सफ़र पे निकलती हूँ और अकेली भी होती हूँ तब वही सोचती रहती हूँ कि ये ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा ही है कि कभी रुकेगी, कभी फिर से चलेगी, फिर से रुकेगी, फिर से चलेगी। लेकिन इस सफ़र को आपको कैसे बिताना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़िंदगी का सफ़र कभी भी एक समान नहीं रहता, कभी खुशी आएगी, कभी गम आएंगे, हर एक पड़ाव से जो है हमें गुजरना पड़ता है और तभी जाके जो है ज़िंदगी का सफ़र पूरा होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि ज़िंदगी का सफ़र आप अकेले कभी नहीं काट सकते, एक सफ़र के लिए हम सफ़र भी होना बहुत ज़रूरी है। अकेले सफ़र करोगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, दुख बांटने के लिए भी कोई नहीं होगा और खुशी को शेयर करने के लिए भी कोई नहीं होगा। मनोज मैम चले ओ बीते पहुंच गई मैं मेरे मायके और मेरा भाई आ गया था मुझे लेने। मैं थोड़ा सा डर रही थी कि वो मुझे लेके चला पाएगा या नहीं, मैं बहुत कम चढ़ती हूँ, जब मेरे भाई गाड़ी चलाते हैं मुझे थोड़ा सा डर लगता है, थोड़े से यंग है ना तो स्पीड चलाने की आदत उनकी ज़्यादा है। मैं मम्मी को ढूंढ रही थी कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। मैं जब रूम में एंट्री की तभी आई मम्मी मुझसे मिलने। ये है मेरी बड़ी मम्मी, अभी पके आम गिरते रहते हैं ना तो इनकी थोड़ी सी आदत है पके आम लेके खाने की। इनकी नहीं, एक्चुअली में मेरी भी ऐसी आदत थी, मेरे भाई बहन सबकी आदत थी लेकिन अभी घर में कोई नहीं है, सबकी शादी हो गई और सब अलग अलग जगह रहते हैं तो सबके पास ऐसा होता भी नहीं है। তুমি খাবা আরে ফ্রুটি থাকে না ম্যাঙ্গো ফ্রুটি ছোট গুলো নিচে থাকে 5 টাকা কি 10 টাকা पता नहीं मम्मी चाची और भाभी मिलके क्या बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मैं जब गई ना तब चुप हो गए थे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ तो फिर उन्होंने बताया नहीं, वो बोल रहे थे कि अभी अगर तुझे डिटेल में बताने जाएंगे ना तो रात हो जाएगी। फिर मैं बोली ठीक है मत बताओ। फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी इन आमों पे, हमारे आम के पेड़ों में इतने ज़्यादा आम होके थे ना कि पूरे गांव के लोग अचार बना सकते हैं इससे। मतलब ये सिर्फ दो झाड़ों में नहीं है और भी है, इसके लिए भी एक ब्लॉग आएगा जब मेरे भाई जो है ना ये लोग आम तोड़ रहे होंगे।
मैं जा रही थी बड़ी मम्मी के घर, और तभी मेरे भाई ने बोला तू यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा शूट कर ले, तेरे ब्लॉग में डाल देना। और तभी ना उसका शर्ट अच्छे से लग भी गया था, दूसरा वाला शर्ट अच्छे से लगा नहीं, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गया और बोला था ये मत डालना। मैं बोली मैं तो डालूंगी, और मैंने इसीलिए डाला ताकि वो देख सके। एबार आमार दिके देखो, तुम एबार देखो आमार दिके, तू देखो কি হয়েছে কি হয়েছে মা এসে করনে সে নেই হতা তো কেসে করনে সে হতা হে চুরানে সে হতা হে ক্যা চুরানে সে হতা হে কি বলে দেখছো দাদা দেখো উসকা বেড ভি হে ওয়াহ পর হ্যাঁ উসকা দেখো বেড হ্যাঁ দেখা মানে তোমারে জেসা বেড হে তাই না বেড ওই যে ঝুলনা ये है मेरा प्यारा सा भतीजा, इसे मैं फर्स्ट टाइम गोदी में ले रही हूँ, क्योंकि पहले भी जब आई थी ना तब ये छोटा सा था 1 month का, और इसे मैं गोदी नहीं ले सकती थी, इसीलिए गोदी लेना नहीं हुआ था। और अभी मैं चीर भर के इसे गोदी भी ले रही थी, और तभी ना इसने सिरसु भी कर दिया था मेरे ऊपर, तो सभी लोग हंस रहे थे। और उसका ये हमारी चिल्लर पार्टी यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये है मेरी प्यारी सी क्यूटी सी भतीजी, जो मेरे लिए यहाँ पे ये गमले को हटाकर जगह बना रही है ताकि मैं झूले पे बैठ सकूं। और झूला भी ना मस्त बड़ा सा है, यहाँ पे बैठ के झूला झूलने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लोग भी बैठ के थे और मुझे बोल रहे थे तुम थोड़ा सा फास्ट फास्ट करो ना, हमें थोड़ा सा झूलना है, तो मैं और फास्ट कर रही थी। बड़ी मम्मी के घर से आने के बाद मम्मी ने बोला चल मेरे साथ थोड़ा सा गांव में, मुझे थोड़ा सा काम है। तो मैं निकली और मैं देखी ये कचरे के पेटी, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हमारा गांव भी थोड़ा सा सुधरने लगा। यहाँ पे भी ड्राई जो डस्टबिन है उसके लिए भी है और वेट के लिए भी है। सच्ची में गाँव तो डेवलप हुआ है, क्योंकि ये तो एक है ही, और स्ट्रीट लाइट नहीं चलते थे तो अभी स्ट्रीट लाइट भी जलते हुए दिखते हैं। फिर ये हमारे यहाँ पे ये सीसी रोड तैयार हो गया है हमारे घर के सामने ही, ये तो सबसे अच्छी लगी मुझे ये चीज़। मम्मी ने मुझे बोला था लेकिन मैंने इतना होप नहीं किया था कि इतना अच्छा बन जाएगा ये, तो ये देख के भी मुझे अच्छा लगा कि चलो कब बचपन से हम कीचड़ वाले रास्ते पे जा रहे थे, अभी हमारे भाई बहन जो है अच्छे रास्ते से जाएंगे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था चलने के लिए भी। दूसरे दिन सुबह मैं आ गई नहा के, और बाल खुले ही रख दी मैं, क्योंकि बाल थोड़े से भिगा ही हूँ, थोड़े से सिर दर्द कर रहा था मेरा। तो तभी मुझे आवाज़ आई कि मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है, तो मम्मी ने बोला तो मैं थोड़ी सी पूजा कर रही थी, ये भी थोड़ा सा दिखा दे कि हमारा मंदिर कैसा है, हमारे भगवान जी है यहाँ पे, थोड़ा सा वीडियो कर ले। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे एक्चुअली मैं भगवान जी को जो है ना नहला रही है, नहलाना हो गया है, अभी जो है फूल चढ़ा रही है उन सबको, उसके बाद जो है मम्मी थोड़ा सा आरती करती है, आरती करके जो है भोग चढ़ा देती है। तो मम्मी यहाँ बना रही है मालपुआ, तो इसकी रेसिपी ना मुझे भी नहीं पता, मैं मम्मी से पूछ रही थी बट मम्मी ने बोला मुझे भी बनाने दे, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तेल गरम हो चुका है, तुझे बनाते जाऊंगी तो ये अच्छे से नहीं बनेगा, मैं बना रही हूँ ये और फिर बाद में तू भी बनाएगी। बाद में मेरा तो बनाना हुआ नहीं क्योंकि मैं जोजो के लेके बड़ी मम्मी के घर चली गई थी, तो मम्मी बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और ये देखने में इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था ना, और फिर मम्मी जैसे कर रही थी ना इसको पलटा ले रही थी, फिर इसको थोड़ा सा डीप फ्राई कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी को मैं बोल भी रही थी क्या मम्मी मैं ऐसा कर पाऊँगी, क्या आप कितने अच्छे से कर रहे हो, परफेक्टली कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी बनाया भी नहीं। मम्मी बोली एक बार बना तो सही, फिर अगली बार भी तुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे बनाना है। मैं बोली ठीक है, फिर मेरा तो बनाना हुआ नहीं, मम्मी ऐसे डालती गई और मैं जो है एक दो बार सिर्फ
उसे पलटा दी और ज़्यादा कुछ करना हुआ नहीं, जो जो भी परेशान करता है मुझे। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, इतना ज़्यादा मतलब शब्द नहीं है सच्ची में यार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ना बहुत ज़्यादा मीठा था, ना बहुत ज़्यादा ऑयली था, और इसमें ना मम्मी ने सौंफ के दाने दिए थे तो वो मुंह में आ रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। मम्मी को मैं बोल रही थी, मम्मी मुझे ये रेसिपी बताना, मैं घर में जाके ट्राई करूँगी। मम्मी ने बोला ठीक है मैं तुझे बता दूँगी, लेकिन मम्मी ने बताया भी नहीं और मुझे भी याद नहीं रहा कि मम्मी से पूछ लूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए भी इसकी रेसिपी ना ज़रूर लाऊँगी। No, me no statue. You are statue. Yeah. The statue. आई होप आपको आज का और कल का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप अपने मायके कितने दिनों बाद जाते हो, जाने के बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बता। पता है रिलेटेबल होगा, लेकिन आपकी खुशी भी मैं महसूस कर पाऊंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।